नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से आप लोगों की ये डिमांड आ रही थी कि आर ओ आर ओ परीक्षा में जीएस यानी सामान्य अध्ययन के विषय को कैसे तैयार किया जाए। जाहिर सी बात है कि इसमें जो इस परीक्षा में जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी एक अपनी अलहदा किस्म की प्रवृत्ति होती है। उसके साथ ही साथ इसमें जो जीएस का सिलेबस है वह भी अपने आप में अथाह है, और उसको इतने कम समय में तैयार कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने नज़र आ रही है। आपका जो नोटिफिकेशन है वो लगभग नेक्स्ट मंथ आने की संभावना है, और इस आधार पर अगर देखा जाए तो अधिक से अधिक आपके पास केवल 4 से 5 माह का ही समय है। ऐसे में इतने बड़े विषय को तैयार कर पाना, जो कि अपेक्षाकृत हिंदी से भी ज़्यादा टफ हो जाता है, यहाँ पर अंक ला पाना, तो इस विषय को कैसे तैयार किया जाए, इस विषय में क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, सबसे पहले हम लोग उसको आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरे भाग में हम लोग यह भी डिस्कस करेंगे आज ही के वीडियो में कि इस चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं, और हम लोग अपने बैच में किस प्रकार के समाधान लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए, जब हम लोग को अपना ये बैच लॉन्च करना था तो उसमें हम लोगों ने अपनी टीम के साथ में सबसे पहला जो यह डिसाइड किया कि हमारे विचारणीय पहलू क्या होने चाहिए। दो मुख्य समस्याएं जो हम लोगों को नजर आई, पहली बात तो यह कि आरओ आरओ के जीएस पेपर की बाधाएं क्या है, यह हम लोग को पता होना चाहिए कि जीएस पेपर में वास्तव में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं जिसकी वजह से अंक ज्यादा नहीं आ पाते हैं जीएस में। आरओ आरओ की परीक्षा की बात करें, कई बार आप देखिए कि आरओ आरओ की परीक्षा जो होती है वो कई लोगों को यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा से भी टफ लगती है, और इसका कारण समझने के लिए हम लोग उस पर बात करेंगे कि क्यों ये ऐसा है कि यहाँ पर जीएस पेपर टफ हो जाता है, उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, दूसरा कि इतने कम समय में हम लोग इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। इन दोनों मुद्दों पर जब हम लोग ने बात शुरू की, चर्चा की, तो उसमें हम लोगों के सामने ये कुछ पॉइंट्स नजर आए। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा यानी तथ्यात्मक जानकारी आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप लोग उनको रटें, याद करें, तो उसमें अब चूंकि याद करना बहुत कठिन होता है, कम समय में तो और भी कठिन हो जाता है। तो एक प्रमुख समस्या ये आती है जीएस पढ़ने में। दूसरी प्रमुख समस्या ये है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो काफ़ी आते हैं, तो सभी को पता है कि अगर लोक सेवा आयोग का एग्जाम है तो प्रीवियस ईयर्स की अच्छी खासी महत्ता होती है, परंतु इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने सारे हैं वो गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि उनको भी हम लोग पढ़ तो लेते हैं, एक दो बार रिवाइज भी कर लेते हैं, पर इतने मात्र से ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार हो जाएं, ये संभव नहीं है। तो या तो आप उसका काफी बार रिवीजन कीजिए, या फिर कोई ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जिसके थ्रू हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तैयार हो जाएं। इस पर हम लोग अपना समाधान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तीसरा कि प्रश्नों को समझने में और अटेम्प्ट करने में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो मतलब जानते तो हैं चीज़ों को, सभी तथ्यों को वो जानते हैं, परंतु जब वो अटेम्प्ट करने जाते हैं तब उनसे मिस्टेक हो जाती है, और ऐसे ब्लंडर्स की वजह से उनके अंक कम आते हैं। तो ये एक समस्या हम लोगों को प्रमुख समस्या के रूप में दिखाई दी, इसके लिए हम लोग समाधान लेकर आए हैं। चौथा कि करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर काफ़ी गलत हो जाते हैं, और काफ़ी सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अब उसमें वो जमाना गया जब कुछ ही प्रश्न करंट अफेयर्स के एक पर्टिकुलर मैगजीन से पूछ लिए गए, उतने मात्र से ही काम हो जाता है। अब वो समय गया, अब आप देखेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों का स्तर भी काफ़ी बढ़ गया है, और उसका कवरेज भी केवल एक मैगजीन से जो कंपाइलेशन आता है उससे नहीं हो पाता है। तो इस समस्या के निदान के लिए भी हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद पाँचवा जो पॉइंट है वो ये है कि आरओ आरओ की परीक्षा में खास तौर पर, यूपी पीसीएस में ऐसा नहीं है, परंतु आरओ आरओ परीक्षा में हम लोग देखते हैं कि कुछ विशिष्ट सेक्शंस होते हैं जिन पर इनका ज्यादा फोकस रहता है। कुछ विशिष्ट सेक्शंस होते हैं, या आप कह लीजिए चैप्टर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पर इनका ज्यादा फोकस होता है। तो इन सभी समस्याओं के निदान के रूप में हम लोग आपके सामने जो अपना बैच लेकर आ रहे हैं वह, अब देखिए जब हम लोगों को अपना बैच लाना है तो हम लोग जाहिर सी बात है सबसे पहले हर बैच में हम लोग यही डिस्कशन करते हैं कि क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसको हम लोग को सॉल्व करनी है। दूसरी बात फिर हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, हम लोग कैसे उससे डिफर कर सकते हैं, हम लोग कैसे अपने बैच को यूनिक बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। उन सभी को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात, अब जैसे इसी पॉइंट को रख लेते हैं कि कुछ विशिष्ट सेक्शंस पर ज़्यादा फोकस है, तो यहां पर क्या होगा कि आप लोगों को
जो क्लासेस दी जाएंगी, वीडियोज आप लोगों की होंगी, वो वीडियोज दरअसल बहुत मतलब पिक्यूलियर टॉपिक्स पर होंगी, सिलेक्टेड टॉपिक्स पर होंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन पर आपको कॉन्सेप्ट्स भी और फैक्ट्स भी, कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा, फैक्ट्स भी समझाया जाएगा, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी समझाया जाएगा, और उसके साथ में आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वो पीडीएफ नोट्स दरअसल वो वास्तव में नोट्स ही होंगे, ना कि कोई जैसे आप बाकी कोचिंग्स में देखते हैं वहां पे वो अपनी एक किताब बना के दे देते हैं, आप जब पढ़ेंगे तो पता चला 400-500 पेज की हिस्ट्री के अपने नोट्स बना के दे दिए। वो वास्तव में उनको नोट्स कहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो नोट्स होते नहीं है। नोट्स होते हैं देखिए ये, कि इसमें सारी बातें भी आ जाएं और सब पॉइंट वाइज आ जाए चीजें। अगर आप लोगों को ये दिख रहा हो क्लियर, नहीं तो इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, तो आप लोग देख सकते हैं सारी बातें एकदम इसमें आ जाती हैं। इसी प्रकार से हम लोग और भी नोट्स देख लेते हैं। इस तरह के आपको नोट्स दिए जाएंगे जिसमें सभी चीजें, अब इसको जब क्लास में समझाया जाएगा तो फिर आपको और ज्यादा समझ में आएगा ये नोट्स। तो इस प्रकार से हम लोग शॉर्टेस्ट नोट्स कह सकते हैं इसको, वो नोट्स आपको दिए जाएंगे, साथ में वीडियोज दी जाएंगी। इसका कारण यह है कि आपके पास अब दरअसल उतना समय बचा ही नहीं है कि आप किसी पोथी वाले नोट्स को पढ़ सकें या फिर बुक्स को बार बार रिवाइज कर सके, पढ़ सके। एक बार आप पढ़ तो जरूर लेंगे पर रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर उसे पढ़ने का फायदा ही क्या। तो इसलिए ऐसे विशिष्ट सेक्शंस पर हम लोगों का ज्यादा फोकस रहेगा। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि हमने अलग अलग विषय की कई सारी ऐसे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर विषय में क्या क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, किस में से ज्यादा पूछा जाता है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, ये सब भी हमने बताया हुआ है। तो यहां पर क्या है कि हम लोग को इस विषय का, इस परीक्षा का खास तौर पर RO/RO का, वो आप हमारे देख सकते हैं ज्यादातर वीडियो इसी पर बेस्ड हैं, तो इस परीक्षा का ठीक ठाक अनुभव है, जिसके आधार पर हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर कौन से विषय ऐसे हैं जिन पर ज्यादा फोकस रहता है। दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए PYQs काफी आते हैं, ठीक है, पर गलत हो जाते हैं। PYQs क्या है कि आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, घटना चक्र की पुस्तक है, आप उसको भी उठाएंगे, उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि वहां पर या फिर घटना चक्र की पॉइंटर भी आती है, उससे भी आप वन लाइनर के रूप में पढ़ सकते हैं, पर समस्या ये आती है कि वहां पर UPPCS भी दिया है, UPSC भी दिया है, MPPCS भी दिया है, RAS भी दिया है, सारा कुछ दिया है। ऐसे में क्या होता है कि प्रश्नों की संख्या अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती है, तथ्य याद करने के लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जबकि RO/RO के एग्जाम में हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यह है कि प्राथमिकता तौर, प्राथमिक आधार पर हम लोग जो UPPSC द्वारा जितने भी पेपर कराए जाते हैं, कम से कम उनको सबसे पहले तैयार कर लें, उनको इस प्रकार से तैयार कर लें कि वो हमारे रीड तो हो ही जाए एक बार, उसके बाद रिवाइज भी कम से कम 7-8 बार हो जाए। ऐसी कोई टेक्निक अगर आप घटना चक्र से बना पाए तो अच्छा है आपके लिए, अगर नहीं बना पाए तो हम लोग यहां पर क्या चीज यूनिक लेकर आ रहे हैं वो देखिए, कि हम लोग जितने भी अभी तक पेपर ये UPPSC के हुए हैं, जितने भी पेपर लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं, उन सभी पेपर को वन लाइनर के रूप में, उन सभी क्वेश्चंस को वन लाइनर्स के रूप में आपके सामने पर डे बेसिस पर, डेली बेसिस पर ये आपको दिया जाएगा, और आपसे ये एक्सपेक्टेड होगा कि आप लोग इसको रोज का रोज उसको निपटाते हुए चलें। मतलब मान लीजिए एक चैप्टर से अगर 6 प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन 6 चैप्टर्स, उन 6 प्रश्नों को पढ़ के दूसरे वाले चैप्टर के 6 प्रश्न पढ़ लिए, ऐसे ऐसे करके आप डेली बेसिस पर जो भी कंटेंट दिया जाए उस एक पेज को आप लोग निपटाते हुए चलें। तो ऐसे में आपका पूरा ये जो 4 महीने का समय है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को रट से जाएंगे। तो इसलिए UPPSC के अगर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपका गलत नहीं होगा, और ज्यादातर संभावना यही रहती है कि UPPSC के ही आएंगे। बहुत कम ही ऐसा होता है कि अन्य आयोगों के प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए दूसरा तो ये हो गया। तीसरा देखिए, हमारे सामने एक ये चुनौती है कि प्रश्नों को अटेम्प्ट करने में कन्फ्यूजन होती है, उसके लिए टेस्ट सीरीज एक अच्छा ऑप्शन है। हम लोग भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, अपनी सेक्शनल टेस्ट सीरीज, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस बैच में किसी को और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज तो देखिए सेक्शनल है, वो अपना निश्चित समय पर होती है, परंतु अगर किसी को प्रैक्टिस बहुत करनी है, कोई चाहता है कि हमें जीत तोड़ एकदम मेहनत करनी है, ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ चाहता है, तो GS के लिए हम लोग डेली टेस्ट लेकर आ रहे हैं।
आप देखिए डेली टेस्ट के रूप में हम लोग यहां पर प्रैक्टिस कराएंगे। डेली 20 क्वेश्चंस हमारे ऐप पर होंगे, ऐप पर ही आपको ये डेली 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसके साथ साथ टेलीग्राम पर 10 क्वेश्चंस पर डे। आप समझ लीजिए कि ये 30 प्रश्न आपको डेली बेसिस पर सॉल्व करने हैं, और जब आप इनको देखेंगे तो 4 से 5 महीने बाद ये प्रश्न कितने ज्यादा हो जाते हैं इसकी कल्पना आप लोग खुद ही कर सकते हैं। तो ऐसे में डेली यहां पर हम लोग इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद देखिए फैक्चुअल क्वेश्चंस एक बड़ी बाधा है यहां पर, क्योंकि फैक्ट्स को रटना मुश्किल होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम लोग एक स्पेशल तरीका ईजाद किए हैं कि यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर आप लोगों को एक 1 पेज शॉर्ट नोट्स देंगे, जिसमें दरअसल ऐसे फैक्ट्स होंगे जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, उनको हम लोग डेली बेसिस पर देंगे। आप लोगों से ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप लोग या तो चाय पीते टाइम या खाना खाते टाइम, किसी भी टाइम, जब भी आप लोगों को टाइम मिले, जो आप लोग रील्स देखते हैं जिस टाइम पे, उसके बजाय आप लोग ये देख लें। केवल 1 पेज का मटेरियल डेली बेसिस पर रहेगा, उसको आप दिन में कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर लेंगे। 1 पेज ये और 1 पेज आपका PYQ वाला। तो निश्चित तौर पे RO/RO के लिए जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें GS के स्तर पर आप लोगों की कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो डेली बेसिस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। मान लीजिए कोई टेबल है, कोई चार्ट है, ऐसा हम लोग देखते हुए माइंड मैप है, उसको हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग फैक्ट्स को कवर करेंगे। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी रहेगा कि कोई अगर ट्रिक किसी में काम कर रही है, शॉर्ट ट्रिक वगैरह काम कर रही है, तो उसके लिए वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, साथ ही शॉर्ट ट्रिक डेवलप करना भी समझाया जाएगा। इस तरीके से कुल मिला के फैक्ट्स कैसे याद करने हैं इस पर हम लोग का जोर रहेगा, ताकि आप लोगों को ये फैक्चुअल क्वेश्चंस वाली भी समस्या सॉल्व हो जाए। उसके बाद है करंट अफेयर्स के काफी सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मंथली बेसिस पर आपकी करंट अफेयर्स कवर कराई जाएगी। पहले तो आपका जितना भी है उससे लगभग 9 टू 12 मंथ्स का हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे, और उसमें सारा मंथली बेसिस पर कवर कराया जाएगा, ताकि आप लोगों को उसमें कोई भी समस्या ना हो। करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न आए, हमारी कोशिश रहेगी कि 80% प्रश्न, 90% प्रश्न हम लोग अटेम्प्ट कर सकें, और करंट अफेयर्स के प्रश्नों की भी इन डेली टेस्ट में या टेलीग्राम क्विज में, डेली टेस्ट में इनमें प्रैक्टिस कराई जा सके हमारे ऐप पर। इस प्रकार का हम लोग अपना प्रावधान इस बैच में लेकर के आ रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे, जिनको अगर थोड़ा सा भी इस परीक्षा का अनुभव होगा, कि ये 5 मेजर चैलेंजेस हैं जो RO/RO परीक्षा में GS के स्तर पर फेस करने पड़ते हैं सभी स्टूडेंट्स को। तो उनके निदान के लिए हम लोग ये अपना यूनिक बैच लेकर आए हैं। इस बैच की जो प्राइसिंग जो है वो है, यहां पर जो बैच की प्राइसिंग है वो है 1400, लेकिन अभी इसका डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट हम लोग 400 दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको पड़ जाएगा 999 का पड़ जाएगा। आप लोग ये मत समझिए कि 400 डिस्काउंट केवल दिखावटी है, कुछ समय बाद ये डिस्काउंट हट भी जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे निबंध बैच पर जो डिस्काउंट था वो अब खत्म हो चुका है, तो इस वजह से उसकी फीस बढ़ गई है। यह भी डिस्काउंट जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, परंतु अभी ये आपके सामने मौका है कि आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 999 प्लस इसमें इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस जो भी 20-25 रुपए 30 रुपए लगभग जुड़ेंगे, तो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस इसमें जुड़ेंगे। इस प्रकार से जो भी इसका अमाउंट बनेगा लगभग 1029 या 30 रुपए इस प्रकार से रहेगा। एग्जैक्ट अमाउंट अभी हमें भी नहीं पता है कितना होगा। तो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस वो थर्ड पार्टी को दे होता है, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। कई लोग उस वजह से भी खिन्न हो जाते हैं कि यहां पर तो ये लिखा है परंतु अंदर कुछ और लिखा है, तो मैं पहले ही से आपको ये बात क्लियर कर दे रहा हूं, 15-20 रुपए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। और ये आपका हमारा फाइनल अमाउंट जो इस समय चल रहा है वो ये है। बैच आज क्रिएट हो चुका है, कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप लोग इसको कैसे, क्या प्रोसेस होगा जिससे आप लोग इसको खरीद सकें, तो देखिए सबसे पहली बात कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर में हमारा इनफोकस सिविल एकेडमी नाम से ही ऐप है। उस ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर होम पेज पे सबसे नीचे स्टोर का ऑप्शन आएगा। स्टोर के ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको हमारे 4 बैच मिलेंगे।
चार बैच मिलेंगे, जिसमें एक है जीएस का, एक दूसरा है हिंदी का, तीसरा है निबंध का और चौथा है सेक्शनल टेस्ट सीरीज का। अब देखिए इन चारों के मतलब ये जो जीएस का बैच है इसमें यही वाला बैच है जिसके बारे में हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। हिंदी वाला बैच जो है ये दरअसल प्री और मेंस दोनों की हिंदी कराएगा, दोनों की हिंदी की तैयारी इसमें होगी। तो अगर किसी को जीएस का बैच चाहिए कंप्लीट, सॉरी किसी को अगर प्री का बैच कंप्लीट चाहिए तो वो जीएस और हिंदी को ले सकता है, इससे उसकी पूरी प्री की तैयारी तो होगी साथ ही मेंस की भी तैयारी जीएस और हिंदी की हो जाएगी, क्योंकि जीएस और हिंदी दोनों मेंस में भी आते हैं। तो ये दोनों इससे आपकी प्री की तैयारी हो जाएगी पूरी। जिसको एसे लेना है, निबंध लेना है तो वो निबंध का बैच ले सकता है, और जिसको सेक्शनल टेस्ट सीरीज लेनी है जहां पर हम लोग हर तीन तीन दिन का टारगेट देते हैं कि आपको ये पढ़ना है उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज होगी, तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं। ये चार कोर्सेस हैं, आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं उसको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, वहां से आपका पेमेंट हो जाएगा, आपको तुरंत ऑटो जनरेटेड रिसीट मिल जाएगी, रसीद मिल जाएगी, आपको कहीं पर कोई अपना डिटेल नहीं भेजना है। जैसे ही आपके रसीद मिलेगी तुरंत आपको एक लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, जिससे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आप लोग मान लीजिए निबंध का है तो निबंध में अगर आपको कुछ भी भेजना है अपने निबंध लिख के तो वो वहीं पर भेजेंगे, वहीं पे आपके निबंध चेक होके मिलेंगे। इस प्रकार से सब अलग अलग प्रावधान लिखा हुआ है, कोर्स की डिटेल में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो ये एक नंबर है 8576010203, ये नंबर है, इसको आप लोगों को इस पर आप लोग कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको उपयुक्त लगे। इसके अलावा हमारे ऐप में भी एक चैट का ऑप्शन है जहां पर आप लोग कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए ये रही आज की क्लास, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जीएस विषय को लेकर जो चुनौतियां स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है उसके निदान के लिए हम लोग अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं, और ये तो केवल वानगी भर है, इसके अलावा भी जो जो चीजें भी हम लोगों के स्तर पर जरूरी होंगी स्टूडेंट्स को इस परीक्षा को क्लियर कराने के लिए, वो सब प्रयास हम लोग अपने स्तर पर करेंगे। कई बार ये भी होता है कि जितना हम लोग वादा करते हैं उससे ज्यादा भी बढ़ के करते हैं, और उसी के निमित्त आप लोगों को ये एक यहाँ पर हमारा बैच का डिस्कशन किया गया है। और बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कोर्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, जिस आप लोगों ने हमारे अन्य कोर्सेस को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया है, प्यार दिया है, उन सभी के लिए आपका आभार, और आपसे ये अपेक्षा है कि आप लोग इस बैच को भी इस कोर्स को भी उतना ही प्यार देंगे। और जाहिर सी बात है कि इस समय जो भी एक ट्रेंड चल रहा है कि आरओ की वैकेंसी आनी है, तो हर कोचिंग वाले अपना अपना बैच लॉन्च करते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है। कई लोग फ्री में भी पढ़ाते हैं सारी चीज़ें, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि फ्री वाले में एक कमी ये रहती है कि उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि हमें कोर्स इतने समय में ऐसे कवर कराना है, वो तो सभी के लिए फ्री है। दूसरी बात, जो अन्य लोग भी कवर करा रहे हैं, आप पहले ये देख लीजिए कि उनके पुराने वीडियोज आरओ पे कितने हैं, क्या उनको आरओ विषय की मतलब स्पष्ट कुछ गहराई पता है, या फिर बस वो चूंकि वैकेंसी आई है इसलिए करा देते हैं, व्यूज मिल जाएंगे तो उसके चक्कर में पड़े हुए हैं। आप इन सभी बातों का डिटेल में आराम से अध्ययन कर लें, उसके बाद अगर आपको हम लोग जेन्युइन लगे, हमारा प्रयास जेन्युइन लगे, हमारे जो अन्य कोर्सेज हैं उस पर जो कमेंट्स आते हैं, उन पर जो रिव्यूज है लोगों का, उनको देख सकते हैं आप, उसके आधार पर अगर आप लोगों को सब कुछ सही लगे तब आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो इस नंबर पर बात कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।